दोस्तों, अभी हमने आपको देश के पहले बाहुबली हरिशंकर तिवारी की कहानी को सुनाया था। उस कहानी में हमने आपको सिर्फ हरिशंकर तिवारी के बायोग्राफी और उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्सों की दास्तान को सुनाया था। उस कहानी के आखिर में हमने आपको यह भी बताया था कि हरिशंकर तिवारी से जुड़े कुछ किस्से ऐसे भी हैं जिसने यूपी और पूर्वांचल में गैंग वॉर की नींव रखी थी। इसी में एक कहानी यह भी है जब पहली बार पूर्वांचल ने गैंग वॉर का नाम सुना था, जब लोगों को लाउडस्पीकर पर हिदायत दी जाती थी कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलना मना है। क्या है वो किस्सा, आइए आपको सुनाते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bezorjora.com का यूट्यूब चैनल। 70 के दशक में इटली के मिलान शहर में ड्रग माफियाओं ने अपना कुछ गैंग बना लिया था और फिर वह अपना आपराधिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। साल 1973 में इसी कहानी को बैकड्रॉप में रखकर एक फिल्म बनी और उस फिल्म में पहली बार गैंग वॉर शब्द का प्रयोग हुआ। समय के साथ ये शब्द उस शहर से गायब हो गया, लेकिन सात समंदर पार यूपी के पूर्वांचल में यह शब्द कुछ इस तरह स्थापित हुआ जो आज तक बरकरार है। पूर्वांचल में इस समय यूनिवर्सिटी के लड़के राजनेता बनने की तैयारी कर रहे थे और वहां के कॉलेज नेता बनाने की नर्सरी के रूप में विख्यात हो गया था। गोरखपुर इस समय दो गुटों के दुश्मनी पर टिका हुआ था, हरिशंकर तिवारी का गुट और वीरेंद्र प्रताप शाही का गुट। एक ब्राह्मणों को लीड कर रहा था, वहीं दूसरा ठाकुरों को। इन दोनों की वर्चस्व की लड़ाई अब यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकलकर रेलवे के ठेकों तक पहुंच गई थी। यहां दोनों ने बढ़िया पैसा कमाया और खूब हथियार भी खरीदे। ये वो दौर था जब रेलवे की छोटी लाइन को बड़ी लाइनों में बदला जा रहा था। इस काम के लिए टेंडर दिए जा रहे थे। रेलवे का टेंडर उठने का मतलब था लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये बेहिसाब पैसा किसे नहीं चाहिए, बस इन्हीं ठेकों को पाने के लिए दोनों गैंग आपस में भिड़ने लगे। पूरी यूनिवर्सिटी समेत पूरा शहर ही दो खेमों में बंट गया। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण समाज से थे, जबकि वीरेंद्र प्रताप शाही राजपूत यानी कि ठाकुर। शहर के छोटे छोटे गैंगस्टर बदमाश भी अपनी जाति के हिसाब से इन गैंगों में शामिल होने लगे और फिर गोरखपुर में शुरू हो गया खूनी खेल। जो गैंग वॉर शब्द इटली के मिलान शहर से निकला था, उसका असली जलवा अब पूर्वांचल में दिखने वाला था। यूनिवर्सिटी से निकलकर यह खेल सड़कों तक पहुंच चुका था। वर्चस्व की लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे, कभी ब्राह्मण तो कभी राजपूत। लड़ाई इतनी खौफनाक थी कि तब लाउड स्पीकर में यह अनाउंस तक किया जाता था कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उस वक्त सड़कों पर दोनों गैंग्स के बीच गोलियां चल रही होती थी। उस दौर में गोरखपुर ने वो गैंग वॉर देखा जो उसे फिर देखने को नहीं मिला। इसके बाद हरिशंकर तिवारी ने बाहुबल की राजनीति की शुरुआत की। वह जेल से चुनाव लड़कर जीत दर्ज करने वाले पहले विधायक बन चुके थे। साल 1985 में चिल्लूपार सीट से हरिशंकर तिवारी ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और उसमें वह जीत भी गए। पहली बार बाहुबली नेता विधायक बन चुके थे। दूसरी तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही पहले ही महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक की कुर्सी ले चुके थे। अदावत अब भी दोनों के बीच जारी थी, बस फर्क इतना था कि दोनों अब माननीय बन चुके थे। लेकिन नेताजी बनने के बाद तो अपराध करने का लाइसेंस मिल जाता है ना, भले ही आप अपने हाथ से ना करें, लेकिन करवा तो सकते ही हैं। इसी सिलसिले में अब पूर्वांचल में तीसरा कोई गैंग नहीं बचा था। गैंग सिर्फ दो ही थे, हरिशंकर तिवारी का गैंग और वीरेंद्र प्रताप शाही का गैंग। इसके बाद जितने भी छोटे मोटे बदमाश हुए, वह अपने जातिगत सहूलियत के हिसाब से दोनों गैंगों को चुनने लगे। करीब डेढ़ दशक तक पूर्वांचल का क्षेत्र इन दोनों गैंगों के बीच हुए गैंग वॉर का
गवाह रहा। लेकिन माननीय बनने के बाद भी जो दबदबा हरिशंकर तिवारी कायम कर सके वह वीरेंद्र प्रताप शाही को नसीब नहीं हुआ, क्योंकि हरिशंकर तिवारी यह बात जानते थे कि कानून के शिकंजे से गर्दन महफूज रखने को पुलिस की नस कब कहां कौन सी और कैसे दबाकर रखनी है। इस मामले में वह इस काम के हेडमास्टर बन चुके थे और यही खीज वीरेंद्र प्रताप शाही को उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना रहा था। विधायक बनने के बाद हरिशंकर तिवारी के खौफ का आलम सरकारी महकमों पर इस कदर था कि उन्हें किसी सरकारी विभाग के अफसर से ठेके वगैरह मांगने जाने की जरूरत ही नहीं थी। कौन से ठेके का टेंडर कब कैसे और किस रेट पर खुलना है यह सब हरिशंकर तिवारी पर्दे के पीछे रहकर ही तय कर देते थे। तो इतनी पहुंच के बाद अब भला हरिशंकर तिवारी के जबड़े से करोड़ों रुपए के ठेके लेने की हिमाकत कौन कर सकता था। और फिर इसीलिए वीरेंद्र प्रताप शाही हथियारों के दम पर उनका मुकाबला करने की कोशिश जरूर करते। ऐसा कहा जा सकता है कि सरकारी टेंडर्स के काले कारोबार ने ही हरिशंकर तिवारी को नेता कम सफेदपोश माफिया डॉन बना डाला था। सरकारी ठेकों में वर्चस्व की खूनी लड़ाई शुरू हुई तो फिर असली गैंग वॉर का खेल देखने को मिला, जिसमें डेढ़ दशक के अंदर हजारों जाने गई। इस समय तक यूपी की आपराधिक दुनिया में गैंग वॉर शब्द का खुलकर इस्तेमाल गाजीपुर और वाराणसी में भी हो चुका था, लेकिन असल में गैंग वॉर का डराने वाला असली रूप तो गोरखपुर में ही देखने को मिल रहा था। फिर 90 के दशक के आखिरी सालों में इस खेल में एक नए लड़के श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री होती है। साल 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। इसके बाद यह खबर फैल गई कि इस घटना को हरिशंकर तिवारी के इशारे पर अंजाम दिया गया है। हालांकि उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन फिर भी यह कहा जाता ही रहा कि श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर ब्राह्मण क्रिमिनल्स को हरिशंकर तिवारी का पूरा संरक्षण हासिल था। फिर आगे आने वाले समय में एक बार ऐसा भी हुआ कि श्री प्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी की भी सुपारी ले ली। इसके पीछे की क्या कहानी है यह हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। साल 1997 में वीरेंद्र प्रताप शाही के मर्डर के बाद गोरखपुर में गैंग वॉर का दौर समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ कम जरूर हो गया। फिर हरिशंकर तिवारी भी अपने पॉलिटिक्स में बिजी हो गए, लेकिन पर्दे के पीछे से जो खेल दशकों से चलता आ रहा था वह लगातार चलता ही रहा। तो यही थी कहानी गोरखपुर के गैंग वॉर की, जिसका जनक हरिशंकर तिवारी को कहा जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।